दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है, जहां बीते रविवार रात इंद्रपुरम पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बदमाश की गोली लगी तो जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से कविनगर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हुई पंकज धवन की हत्या के दौरान लूटा गया सामान, बैग, नकदी, पासपोर्ट, अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किया गया है। क्योंकि त्यौहार को ध्यान में रखते हुए चेकिंग वगैरह काफ़ी मुस्तैदी से करवाई जा रही थी, शाम की चेकिंग, उसी में ये सूचना मिली कि ये जो कविनगर में वांछित अपराधी चल रहे थे एक मर्डर के केस में, उनकी भी ऐसी सूचना आई थी कि वो भी इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो चेकिंग चल रही थी। इसी क्रम में दो संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उनको रोका गया। उस क्रम में जब उनको रोका गया तो एक तो जवाबी मतलब फायरिंग पहले उसने पुलिस पे की, जवाबी फायरिंग में उसके पाँव में गोली लगी और दूसरा व्यक्ति फरार हो गया। उसे भी हमारी SOG की टीम ने काफ़ी मुस्तैदी के साथ उसे पकड़ा और उसके हाथ से भी उसी समय तमंचा बरामद हुआ। जब इनको पकड़ा गया तो उस समय बरामदगी में एक स्कूटर और तमंचे, जिंदा कारतूस वगैरह इनके पास से बरामद हुआ। और जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो ऐसा पता चला कि कविनगर में जो मर्डर हुआ था, लूट के बाद मारा गया था पंकज धवन नाम के एक शख्स को, उसमें इनका हाथ था। जो आला कतल यूज़ हुआ था उसमें आपका पेचकस होता है, रिंच वगैरह है, हथौड़ा वगैरह है, ये भी इनके पास से बरामदगी हुई है। और उसका पासपोर्ट और पर्स जो पंकज धवन का था वो भी इनके पास से मिला है। इसके अलावा ये जो व्यक्ति है जिसका नाम आपका सनी है और दूसरे व्यक्ति का नाम आकाश है, ये जो सनी है इसने ये पंकज धवन वाले मर्डर से पहले अपने दोस्त जिसका नाम रिंकू था उसका अप्रैल में उसका भी मर्डर किया था। उसमें जिस दिन उसकी तारीख थी कोर्ट में, उसी दिन इसका प्लान बना अपने दोस्तों के साथ कि एक और लूट कारित की जाए जिसमें इस पंकज नाम के व्यक्ति की जान गई थी। इसके साथ साथ स्कूटी वगैरह और तमंचा और कारतूस वगैरह भी बरामद हुए हैं। जिस तरीके से जो इनके टूल बॉक्स से जो सामान मिले हैं जब उनका निरीक्षण किया गया है, तो वो इस तरह के हैं कि वो मल्टीपर्पज़ टाइप के हैं। उनसे ये किसी ताले को खोल सकते हैं और वो इतने हैवी हैं कि यदि उनसे सर वगैरह पे चोट किया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है कहीं ना कहीं। ये बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसा लग सकता है कि कहीं मिस्त्री हैं, कहीं काम कर रहे हैं, इस तरह का है। बट उनके मतलब जब चेकिंग की गई तो मतलब उनकी संदिग्ध अवस्था देख के ये घटना हुई।